हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो को थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फालतू के इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर फ्यूचर मार्केट को स्टडी किया था। अगर आपको फ्यूचर मार्केट को जानना है थोड़ा उसके बारे में, तो आप लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड मार्केट से। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट के बीच में, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या हुआ? अ फॉरवर्ड मार्केट इज एन ओवर द कंट्री मार्केट प्लेस फॉर फॉरन एक्सचेंज सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेट एंड कमोडिटीज। अनलाइक द स्टॉक डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज मार्केट्स, द टर्म फॉरवर्ड मार्केट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द करेंसी मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट को हम करेंसी मार्केट भी बोल सकते हैं। फॉरवर्ड मार्केट हमारी यूज़ की जाती है, एक मार्केट प्लेस होती है फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए सिक्योरिटीज़ का, इंटरेस्ट रेट का, कमोडिटीज़ का। जैसे हमारे लाइक द स्टॉक्स एंड कमोडिटीज़ मार्केट्स, उनको एक्सचेंज करने के लिए फॉरवर्ड मार्केट का हम यूज़ करते हैं। इसको हम करेंसी मार्केट भी बोल सकते हैं कि मतलब हम इसके अंदर अपनी करेंसी का, इंटरेस्ट का, मतलब हमारी करेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर एक्सचेंज होती है। द फॉरवर्ड मार्केट इज द मार्केट प्लेस दैट सेट द प्राइस ऑफ एसेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, स्विप्स, इक्विटी, कैप, फ्यूचर, फॉरवर्ड रेट्स, एग्रीमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सो ऑन फॉर फ्यूचर डिलीवरीज एंड यूज फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग। इन अदर वर्ड, द फॉरवर्ड मार्केट इज द मार्केट वेयर वी कैन सेल एंड बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एसेट्स फॉर फ्यूचर डिलीवरी। देखो, साफ सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लेन देन, बाय एंड सेल उनको करना, उसका मतलब होता है फॉरवर्ड मार्केट। मतलब फ्यूचर डिलीवरी के अंदर हमारी एसेट्स का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का हम लेन देन करें, बाय एंड सेल करें, उसका मतलब हमारा फॉरवर्ड मार्केट होगा। टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड मार्केट, फर्स्ट वॉज फ्लेक्सिबल फॉरवर्ड। द पार्टीज मीट टेन टू एक्सचेंज मनी दैट इज नॉर्मली और इवन बिफोर द मैच्योरिटी डेट यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। ये जो पार्टीज हैं, ये अपने पैसे को एक्सचेंज कर सकती हैं अपने जो उन्होंने फ्यूचर डेट फिक्स की उससे पहले, उनकी जो मैच्योरिटी उन्होंने फिक्स की है उससे पहले ये अपनी चीज़ों का एक्सचेंज कर सकती हैं। इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं क्योंकि ये चेंज होती है। हम मैच्योरिटी से पहले अपनी चीज बाय एंड सेल कर सकते हैं इन करेंसीज को, एंड हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। क्लोज्ड ओवर राइट फॉरवर्ड, द एक्सचेंज रेट इज एग्रीड अपॉन बिटवीन द टू पार्टीज एज टू प्रिवलिंग स्पॉट रेट प्लस द प्रीमियम इन दिस फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंदर एक्सचेंज रेट एग्री किया जाता है दो पार्टीज के बीच में, एंड ये स्पॉट रेट प्लस होता है इसके अंदर, और जो प्रीमियम होता है वो इसके अंदर फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। दो पार्टीज एक एग्रीमेंट करते हैं, एक प्रीमियम तैयार करते हैं एक्सचेंज करने के लिए। नॉन डिलीवर्ड फॉरवर्ड, सॉरी डिलीवरेबल, दिस इज नॉन फिजिकल डिलीवरी विद दीज अप्रोच एंड द पार्टीज एग्री टू मेयरली सेटल द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट रेट एंड द एक्सचेंज रेट। ये नॉन फिजिकल डिलीवरी अप्रोच होती है जिसके अंदर जो पार्टी है वो एग्री करती हैं डिफरेंस बताने के लिए स्पॉट रेट और एक्सचेंज रेट के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब इनके अंदर फिजिकली कोई भी डिलीवरी नहीं होती है। लॉन्ग डेटेड फॉरवर्ड, दे आर कंपेटेबल टू शॉर्ट डेटेड कॉन्ट्रैक्ट, बट द मेच्योरिटी आर नॉर्मली फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखो, ये कंपेटेबल तो शॉर्ट टर्म डेटेड कॉन्ट्रैक्ट के ही होते हैं, बट इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो लंबे समय तक होती है। नॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर दिया जाता है, लंबे समय के लिए ही होती है। बेनिफिट्स ऑफ फॉरवर्ड मार्केट, इन द फॉरवर्ड मार्केट पार्टीज एंटर एंड डिसाइड टू क्वांटिटी, टाइम एंड रेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। इट इज एक्सट्रीमली अडेप्टेबल एंड प्रैक्टिकली फॉर बोथ पार्टीज। देखो, फॉरवर्ड मार्केट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आप, आपका इंटरेस्ट रेट, आपका टाइम, आपकी क्वांटिटी, आपके रेट, आपका टाइम ऑफ डिलीवरी आप फिक्स कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, दोनों पार्टीज के अकॉर्डिंगली, आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली, और आपकी रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली फुलफिल हो सकती हैं आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। और ये दोनों ही पार्टीज के लिए अडोप्टेबल है, दोनों ही पार्टीज के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि आप पहले ही हर चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू
टू पार्टीज हु हैव स्पेसिफिक कमोडिटी दैट दे विल नीड टू एक्सचेंज इन द फ्यूचर. द फॉरवर्ड मार्केट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट हेज्ड एंड अटेम्प्ट्स टू अल्टीमेट वेरियस रिस्क सो दैट प्रैक्टिसेस कैन प्रोजेक्ट देयर कमिटमेंट. ये जो हमारी फॉरवर्ड मार्केट है ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है. क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि ये आपकी अपनी कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी है वो फ्यूचर के अंदर सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं कि इस प्राइस के ऊपर इस इतनी कमोडिटी को इस रेट के ऊपर इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं आपको इस रेट के ऊपर सेल करूंगा. तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है. द प्रोडक्ट इन द फॉरवर्ड मार्केट आर यूजुअली ट्रेडेड ओवर द कंट्री रेदर देन एंगेजिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. द मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रिफर टू डील विद देम ओवर द कंट्री. गुड्स प्रोवाइड्स देम द फ्रीडम टू कस्टमाइज द ड्यूरेशंस कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड अप्रोच टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड्स. प्रोडक्ट जो है हमारा फॉरवर्ड मार्केट के अंदर वो यूजुअली ट्रेड करता है पूरी कंट्री के अंदर. ऐसा नहीं वो एक ही कंट्री के अंदर वो ट्रेड करता है, सारी कंट्री के अंदर वो ट्रेड किया जाता है. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंगेज होने से पहले ही मेजोरिटी जो है वो इन्वेस्टर्स को मतलब डील करवा लेते हैं. वो प्रीफर करते हैं कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट ही रेडी कर लेते हैं या इतना टाइम के अंदर हम इसको ले लेंगे, परचेज कर लेंगे. गुड्स जो है वो फ्रीडमली कस्टमाइज किए जा सकते हैं उसकी वजह से. जितना उनको साइज चाहिए, जितना उनको नीड है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर कर सकते हैं. द पार्टीज कैन नाउ मैच देयर एक्सपोजर्स टू द पीरियड्स इन विच दे कैन एंटर द कॉन्ट्रैक्ट. दे मे अडप्ट इट टू फिट एनी पार्टी एंड चेंज द टाइम बेस्ड ऑन दिस. ये जो पार्टीज हैं वो मैच कर सकते हैं अपने एक्सपोजर्स को, अपने पीरियड्स को, टाइम को, एंड एंटर कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई अपना जो भी हम पीरियड फिक्स करेंगे दोनों पार्टीज मिलके, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं और वो अडप्ट कर सकते हैं जो भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं टाइम के अंदर. पार्टीज वो अपना चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस. नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट. फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस होगा? पीपल हु आर न्यू टू इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टैंड द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट. देयर क्विक टेक्निक टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू. देखो बहुत से जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रेडिंग के अंदर नहीं पता होता है कि क्या डिफरेंस होता है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर फ्यूचर मार्केट के अंदर. तो जो नए हैं उनको हम जल्दी से बताते हैं कि क्या डिफरेंस होता है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के अंदर. फॉरवर्ड मार्केट डील्स विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओनली. फॉरवर्ड मार्केट जो है वो डील करते हैं जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, मतलब कि कोई हमने फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसी के ऊपर फॉरवर्ड मार्केट जो है वो डील करेगी. फ्यूचर मार्केट दीज मार्केट डील ओनली विद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ये जो है ये जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ओनली, उन्हीं के अंदर डील करेगी. ये जो डील करेगी जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर. इट इज सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट. ये जो है ये सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट होती है फॉरवर्ड मार्केट. फ्यूचर मार्केट जो है वो रेगुलेट की जाती है सेबी के थ्रू, SEBI के थ्रू ही इसको रेगुलेट किया जाता है. फॉरवर्ड मार्केट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दीज मार्केट आर टेलोट्रीड बेस्ड ऑन नीड्स एंड दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज. ये जो मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बेस्ड होते हैं नीड्स के ऊपर, ना कि इनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दीज मार्केट आर स्टैंडर्डाइज ऑन प्री डिटरमाइंड साइज एंड लोड्स. ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये स्टैंडर्डाइज होते हैं और प्री डिटरमाइन होते हैं उनके साइज एंड उनके लोड्स के अकॉर्डिंगली. द मेजर रिस्क ऑफ दिस मार्केट इज दैट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट नीडेड टू डिपॉजिट अ मार्जिन अमाउंट एंड देर इज नो एक्सचेंज दैट कैन रेगुलेट ट्रांजेक्शन. इस फॉरवर्ड मार्केट के अंदर सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि जो पार्टिसिपेंट है उनको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है मार्जिन अमाउंट को, एंड देर इज अ नो एक्सचेंज कैन रिलेट ट्रांजेक्शन. और उससे कोई मतलब एक्सचेंज जो हो ट्रांजेक्शन से रिलेट नहीं करता, उनको मार्जिन नहीं पे करना पड़ता. ये सबसे बड़ा रिस्क है. द रिस्क ऑफ दिस मार्केट इज मॉडरेट एज दे आर मिनिमाइज्ड बाय मार्जिन अमाउंट एंड एक्सचेंज रेगुलेशन. इसके अंदर क्या हमारा रिस्क फ्यूचर मार्केट के अंदर ये मॉडरेट होती है, मिनिमाइज्ड बाय मार्जिन अमाउंट एंड एक्सचेंज रेगुलेशन इसके अंदर में दिया जाता है. मतलब हम इसके अंदर एक्सचेंज जो रेगुलेशन है मार्जिन अमाउंट है वो पे करते हैं. तो रिस्क है हमारी ट्रांजेक्शन होगी या नहीं होगी, हमारा पैसा वैसे भी डूबने की बात है. द सेटलमेंट बाय डिलीवरी इन दिस मार्केट इज मोर देन 90%.
जो डिलीवरी के टाइम पे हमारी सेटलमेंट 90% हो जाती है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, और फ्यूचर मार्केट के अंदर द सेटलमेंट बाय डिलीवरी हेयर इज लेस देन 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसके अंदर जो सेटलमेंट है डिलीवरी के टाइम पे वो 2% से कम होती है उस ट्रांजेक्शन की, 2% लेस देन 2% होती है उस ट्रांजेक्शन की। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन को एक मुक्का मार दो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आती रहे। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नई नई रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।